बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 13 सितंबर 2021 मंडे का दिन था, वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट के लिए कैसे परफॉर्मेंस दी, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव साइड पे थे और कौन सी नेगेटिव पे गए। मार्केट मूवर्स में टॉप 10 वॉल्यूम गेनर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे, जिसमें वॉल्यूम जो है वो 50,000 से अबव, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखी जाएगी। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स और पेआउट्स की डिटेल्स हैं वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। आज का सेशन भी तकरीबन जो है वो रेंज बाउंड रहा है, 200 पॉइंट्स के दरमियानी मार्केट घूमती रही है। 72 पॉइंट के इजाफे के साथ इंडेक्स 47,270 के लेवल पे बंद हुआ है। ओपनिंग जो थी वो 47,265 की लेवल की थी, हाई जो लगा है वो 47,370 का लगा है। 171 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.36%। लो जो लगा है वो 47,168 का लगा है, 29 पॉइंट्स डाउन गए थे इंट्राडे में। तो क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 47,270 के लेवल पे आई है 72 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम्स की बात करें तो 130 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है, 5 डे की एवरेज के पास ही है। 132 मिलियन जो है वो 5 डे की एवरेज है, फ्राइडे की नस्बत जो है वो वॉल्यूम कम था। 41 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे TSE 100 इंडेक्स के, 51 डाउन थे और 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक ने सबसे ज़्यादा 92 पॉइंट्स ऐड किए, पावर जनरेशन की तरफ से 19, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 18, फार्मास्यूटिकल 14, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 13 पॉइंट्स ऐड की, केमिकल ने भी 13, टेक्सटाइल कंपोजिट 9 और रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 40 पॉइंट्स लूज किए हैं इंडेक्स से, सीमेंट्स ने 21, फर्टिलाइजर सेक्टर ने 12, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 9, इंजीनियरिंग सेक्टर 7, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 7 और फूड सेक्टर की तरफ से भी 6 पॉइंट्स लूज हुए। कंपनीज की बात करें तो UBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं 58, दूसरे नंबर पे HBL रहा है 46 पॉइंट्स के साथ, AGP फार्मा ने 17 पॉइंट्स ऐड किए हैं, कॉलगेट पामोलिव ने 16, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 15, बैंक अल्फा ला ने 11, माड़ी पेट्रोलियम 10, PSO ने 9, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, क्विनू टेक्सटाइल मिल और OGDCL की तरफ से 88 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे TRG ने सबसे ज़्यादा 31 पॉइंट लूज किए, मीज़ान बैंक की तरफ से 31, बैंक अल हबीब ने 12 पॉइंट्स, लकी सीमेंट ने 11, पायोनियर सीमेंट ने 7, मेपल लीफ सीमेंट्स, यूनिटी फूड ने जो है वो 6 पॉइंट्स, जबकि दाऊद हरकुलस और ईफर्ट ने भी 5 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे जूट सेक्टर टॉप पे था 5.14% गेन के साथ, केमिकल सेक्टर भी 1.59% प्लस था, टेक्सटाइल वीविंग 1.32%, सिंथेटिक्स एंड रेयन 1.24%, टोबैको सेक्टर 1.06%, कमर्शियल बैंक्स 1.03%, पावर जनरेशन 0.96%, इंजीनियरिंग सेक्टर 0.94%, फार्मास्यूटिकल 0.73% और रिफाइनरी सेक्टर भी 0.64% अपसाइड पे गए। फ्लिप साइड की बात करें तो विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.86% डाउन थी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 1.61%, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 1.18%, पेपर एंड बोर्ड 1.07%, लेदर सेक्टर 0.85% डाउन, वुलन 0.81%, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 0.64%, ग्लास सेक्टर 0.46% और फर्टिलाइजर सेक्टर भी 0.42% आज डाउन साइड पे था। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर स्क्रिप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज बाइको पेट्रोलियम है 45 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 0.1% प्लस था। सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के LOR दूसरे नंबर पे है, 42 मिलियन का काम हुआ है, 18.7% प्लस था। TPL प्रॉपर्टीज 41 मिलियन का वॉल्यूम है, 5% प्लस। टेलीकार्ड में भी 28 मिलियन का काम हुआ है, 1.8% प्लस। TPL कॉर्पोरेशन 1.24% प्लस था, 21 मिलियंस का वॉल्यूम है। WTL में 16 मिलियंस का काम हुआ है, 0.3% डाउन। सिटी फार्मा 6% डाउन था, 8.4 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम था। पाकिस्तान रिफाइनरी में भी 8 मिलियंस का काम हुआ है, 0.35% डाउन था। TRG पाकिस्तान 6 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.9% डाउन था। और UBL में भी आज 6.6 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 4.92% अपसाइड पे गए। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के LOR थे, 18.71% प्लस में गए।
पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड 16.39%, संबा बैंक 14.29% प्लस था, बीआईपीएल 9.53%, बीएफ मुदारबा 9.38%, ICIBL 7.98, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड 7.50%, एजीपी फार्मा 7.49% प्लस था, सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल लिमिटेड 7.47 और आर्ट एनर्जी लिमिटेड भी 6.56% अपसाइड पे गई है। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे एसएमई लीजिंग है 10.5% डाउन था, एफएफएलएम 7.80%, हुसैन शुगर मिल्स के एलओआर 7.69% डाउन थे, बर्जर पेंट 6.53%, केएसबी मुदारबा 6.38%, सिटी फार्मा 6% डाउन था, एनआरएसएल 5.95%, शब्बीर टाइल्स 5.5%, लॉर्ड्स लिमिटेड 4.69% और हाईटेक लुब्रिकेंट्स भी 4.56% आज डाउनसाइड पे गए। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो क्रिसेंट टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 10:30 बजे। डीजी खान सीमेंट भी कल अपना एनुअल रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं, 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। NICL का एनुअल रिजल्ट कल 2 बजे है, मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट कल 3 बजे, इंटरलूप लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 15 सितंबर को 9 बजे, हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 16 सितंबर को 11 बजे, निषाद पावर का एनुअल रिजल्ट 11:30 बजे 16 सितंबर को, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 16 सितंबर को 11:30, जबकि ट्रस्ट मुदारबा का भी एनुअल रिजल्ट 16 सितंबर को 11:30 बजे है। पेआउट्स की बात करें तो अटक पेट्रोलियम और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का, कल जो है ये एक्सो को ओपन होंगे। अटक पेट्रोलियम का 24.50 रुपये का डिविडेंड था और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का 30 रुपये का, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट थे। नेक्स्ट जो है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड और पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड, इनका जो है वो कल आखिरी दिन है डिविडेंड अवेल करने का। सेंचुरी पेपर ने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है और 15% के इसके बोनस शेयर हैं, जबकि पाकिस्तान केबल्स का 8 रुपये का डिविडेंड है। दोनों की एक्सडेट 15 सितंबर है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। आरएफ हबीब लिमिटेड का जो है वो 10 रुपये का डिविडेंड है और 10% जो है वो इसका बोनस शेयर अवेलेबल है, 16 सितंबर इसकी एक्सडेट है, नॉन शरिया ये। कोइनूर एनर्जी लिमिटेड का 5.25 रुपये का डिविडेंड है, इसकी भी 16 सितंबर एक्सडेट बन रही है, नॉन शरिया। गदून टेक्सटाइल मिल्स का 12 रुपये का डिविडेंड है, 17 सितंबर एक्सडेट है, नॉन शरिया ये। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 6.50 रुपये, जबकि इंटरनेशनल स्टील्स का जो है वो 7 रुपये का डिविडेंड अवेलेबल है, दोनों की एक्सडेट 17 सितंबर है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। सिक्योरिटी पेपर एंड लिमिटेड का जो है वो 9 रुपये का डिविडेंड है, 17 सितंबर इसकी भी एक्सडेट है, ये भी शरिया कंप्लाइंट है, तो एक्सडेट से एक दिन पहले जो है वो इसके पास आपको शेयर होना चाहिए। एटलस बैटरी लिमिटेड, बैंक अल्फला, कॉलगेट पामोलिव, फैसल बैंक और हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक जो है आज एक्सो पे ओपन हुए थे। एटलस बैटरी का डिविडेंड था 4 रुपये का और 15% के बोनस शेयर्स थे। बैंक अल्फला ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, कॉलगेट पामोलिव ने 24 रुपये का डिविडेंड और 15% के बोनस शेयर दिए थे, फैसल बैंक का 50 पैसे का डिविडेंड था और हबीब मेट्रोपोलिटन बैंक का भी 2 रुपये का डिविडेंड था। इनमें एटलस बैटरी सिर्फ शरिया कंप्लाइंट था, बाकी जो है वो नॉन शरिया थे। रिजल्ट्स जो हैं वो आज 5 रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट्स था वो हाईटेक लुब्रिकेंट का फुल ईयर का रिजल्ट था, 4th क्वार्टर में 32 पैसे की EPS आई है, पिछले साल 4th क्वार्टर में 1.17 रुपये की EPS थी, तो ओवरऑल फुल ईयर इनका जो है वो 2.84 रुपये की EPS पे आया है, पिछले साल 35 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। पे आउट में डिविडेंड और बोनस दोनों अनाउंस किया है, 2 रुपये का इनका डिविडेंड है और 20% के इसने बोनस शेयर अनाउंस किए। थल लिमिटेड ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट दिया है, 4th क्वार्टर में 11.02 रुपये की EPS आई है, पिछले साल 4th क्वार्टर में 2.55 रुपये की अर्निंग थी, तो ओवरऑल फुल ईयर की इनकी जो EPS आई है वो 42.97 रुपये की आई है, पिछले साल 23.04 रुपये की EPS पे कंपनी थी। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है 6 रुपये पर शेयर। NRSL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, 4th क्वार्टर में 40 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल 4th क्वार्टर में 11 पैसे की EPS थी, तो ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी EPS है वो 1.27 रुपये पे स्टैंड है, पिछले साल 45 पैसे की EPS थी। पे आउट जो है वो नहीं दिया इस दफा। TPL प्रॉपर्टीज का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, 4th क्वार्टर में 1.82 रुपये की EPS आई है, पिछले साल 4th क्वार्टर में इनका 21 पैसे का लॉस था,
तो ओवरऑल इनकी फुल ईयर की जो ईपीएस आई है वो 1.72 रुपये है, पिछले साल 85 पैसे की ईपीएस थी। अब पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया। के इलेक्ट्रिक का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, के इलेक्ट्रिक ने फोर्थ क्वार्टर में 9 पैसे की ईपीएस आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 25 पैसे का लॉस चल रहा था, तो ये साल इनका ईपीएस आई है फुल ईयर की भी 43 पैसे की फुल ईयर की ईपीएस है, जबकि पिछले साल 11 पैसे का इनका लॉस चल रहा था। पे आउट जो है वो कुछ अनाउंस नहीं किया।